किसी ने बताया आप कुप के पास जब ये खबर पहुंची तो आप ड्यूटी कर रही थी अपने 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 वहां पे थी ऑफिस में। तो मैंने उनसे पूछा, आज वो G20 का चल रहा था सम्मेलन, तब मैंने उनसे मैंने खुद उसको मैसेज किया कि आप कैसे हो, तो उसने वहां से बाहर निकल के कहा मामा मेरा 11 रैंक आ गया, मैंने UPSC क्रैक कर लिया है। तब तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, मैंने वहीं पे छोड़ा अपना सिस्टम तो गाड़ी आ गई। मैं इस वक्त पुंछ में हूँ, पुंछ में। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि वजूदे जंग से है तस्वीरे कायनात में रंग, इसी के साज से है जिंदगी का सोजे दरू। मैं पुंछ में हूँ इस वक्त और UPSC का आज रिजल्ट आया है। पुंछ वो इलाका है जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। आम तौर पर यह कहा जाता है कि पुंछ वाले बहुत दूर इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि सामने उनकी नजर पहाड़ों से टकराती है, लेकिन एक बच्ची जिसने एक साल में MSc केमिस्ट्री की, जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा एग्जाम JKAS क्वालिफाई किया और उसके बाद हिंदुस्तान में रहने वाले हर बच्चे हर माँ बाप का एक ही ख्वाब होता है कि उनका बहुत बच्चा UPSC क्वालिफाई करे, और वो इनकी बेटी ने कर दिखाया है और रैंक भी ऐसा कि आप हैरान हो जाएंगे कि रैंक है 11वां, मतलब फॉरेन सर्विसेज के लिए भी तैयार हैं और IAS बनने के लिए भी तैयार हैं। उनके माँ बाप इस वक्त मेरे साथ हैं, ये मेरे पड़ोसी भी हैं, और ये स्टोरी मैं हल्ला बोल के लिए भी कर रहा हूँ और जम्मू से सैयद जुनैद हाशमी के स्टेट लाइन के लिए भी। पहले तो आपको बहुत मुबारक, जुनैद हाशमी साहब ने भी मुझे अभी फोन किया, वो भी आपको मुबारकबाद दे रहे थे। ये बताइएगा कि बच्ची को आपने कहाँ कहाँ भेजा है कोचिंग के लिए? मैंने बच्ची को किसी कहीं कोचिंग में सेल्फ स्टडी किया, उसने एक साल में उसने MSc किया केमिस्ट्री है जम्मू यूनिवर्सिटी से, उसके बाद उसने KAS क्वालिफाइड किया, 34 रैंक है उसको लाया, उसने लाया था, उसके बाद अब UPSC किया, उसने 11 रैंक लाया उसने, किसी के विदाउट कोचिंग। अच्छा, कोई कोचिंग नहीं? बिल्कुल। अच्छा ये बताइएगा, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि बच्ची ने जो जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा एग्जाम जब क्वालिफाई किया उसके बाद दोबारा उस एग्जाम के लिए भरा हुआ था, वो क्या वजह थी? उसका रैंक था 34। अच्छा, वो मुतमईन नहीं थी? मुतमईन नहीं थी, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है, इसमें मिला कौन रैंक मिला उसको, तो उस कौन ऑफिसर से मिला, इसे वो सोचा रैंक अप्रूव हो जाएगा फिर उसको दे जाएगी। अच्छा, जब अकाउंट ऑफिसर का उनको वो रैंक मिला था तो मतलब अपने एग्जाम से सेटिस्फाई थी कि मुझे रैंक नीचे आना चाहिए, या उस वक्त उनको लगता था मुझे जो मिला है वो ठीक है? वो सेटिस्फेक्शन नहीं थी उसके जी, उसके क्या जिसने किया KAS के दिया उसके MSc या पेपर चल रहे थे, उसने बोला ऐसे मुझे थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा इसको, दूसरे से दूसरा दिया उसने। अच्छा, मतलब जब KAS का JKAS का एग्जाम निकाला तो साथ साथ MSc केमिस्ट्री कर रही थी, लेकिन जब उन्होंने UPSC का एग्जाम दिया उस वक्त क्या कहा ये बताइएगा? उसने कहा मेरा पेपर उससे अच्छे हुए हैं, ये KAS से अच्छे हुए हैं ये IAS के पेपर। तो कहा उन्होंने कि इस बार पक्का हो जाएगा? डन था कि ये पहली अटेम्प्ट है उनकी या इससे पहले भी दे चुकी हैं? फर्स्ट अटेम्प्ट। अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट में UPSC क्वालिफाई किया। अच्छा, ये बताइएगा आप खुद क्या करते हैं? मैं फार्मेसी सुपरवाइजर फार्मासिस्ट हूं, मेरी ड्यूटी है बाणी चेचिया। अच्छा, आप बाणी चेचिया में हैं, ठीक। अब उस बच्ची की माँ मेरे साथ हैं, आप इनके चेहरे पर खुशी देख सकते हैं। जैसा मैंने पहले कहा, हिंदुस्तान में हर माँ बाप का ये ख्वाब होता है कि उनके बच्चे ये एग्जाम क्वालिफाई करें और उनके बच्चे ये ख्वाब पूरा करें, आज इनकी बेटी ने कर दिखाया है वो। मैं आपका पड़ोसी हूं, मुझे जम्मू से फोन आया कि जिस बच्ची ने क्वालिफाई किया है, मैंने कहा मेरी पड़ोसी है लेकिन मैंने उसको देखा नहीं है कभी, वो वजह ये थी कि वो ज्यादा अपने घर में रहती थी, एजुकेशन में बिजी रहती थी। ये बताइएगा कैसा आप महसूस कर रहे हैं, इतना बड़ा एग्जाम पास किया है? तो बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं कि खुशी बयान ही नहीं कर सकते कि कितनी खुशी है। तो क्या करूं, पहले जब उसने ये KAS का क्वालिफाई किया तब वो ना सेटिस्फाइड नहीं थी, कहती थी कि नहीं ये मेरा तो एम है IAS ऑफिसर बनना, लेकिन फिर भी उसने कहा कि चलो मैं KAS का दोबारा भी देती हूँ। अभी उसके उसने सेकंड टाइम भी उसने UPSC का फॉर्म किया हुआ था फिल, अभी उसने संडे को वापस जम्मू आना था कि मैंने वे देना, क्या पता मुकद्दर का कुछ पता नहीं होता है, क्या पता क्या हो सकता है। ये तो हमें था कि डन था कि उसका क्वालिफाई हो गया है, पर कई बार होता है ना कि रैंकिंग का कोई सिस्टम बनता है, तो चलो आज। अच्छा, मुझे किसी ने बताया
आप कुप के पास जब ये खबर पहुंची तो आप ड्यूटी कर रही थी अपने 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 वहां पे थी ऑफिस में, तो मैंने उससे पूछा, आज वो G20 का चल रहा था सम्मेलन, तब मैंने उनसे मैंने खुद उसको मैसेज किया कि आप कैसे हो, तो उसने वहां से बाहर निकल के कहा मामा मेरा 11 रैंक आ गया, मैंने UPSC क्रैक कर लिया है। तब तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, मैंने वहीं पे छोड़ा अपना सिस्टम तो गाड़ी आ गई। अच्छा, ये बताइएगा आप किस डिपार्टमेंट में हैं, इस वक्त आप नौकरी कहाँ कर रहे हैं? मैं सीएमओ ऑफिस पूंछ में सीनियर असिस्टेंट हूँ। अच्छा, आप सीएमओ ऑफिस पूंछ में सीनियर, मतलब ये कि दोनों हेल्थ डिपार्टमेंट में हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि और आपके कितने बच्चे हैं, उनको लेके आपके क्या ख्वाब हैं? हमारी दो ही बेटियां हैं। ठीक, छोटी वाली से छोटी है, छोटी वाली क्या कर रही है? 10th में पढ़ रही है। ठीक जी, उसके क्या ख्वाब है? वो अभी वो छोटी है, अभी ना समझ है, अभी उसके बारे में हमने सोचा नहीं है कि क्या करवाना है इसको, क्या नहीं। अच्छा, ये जिस बच्ची ने UPSC क्वालिफाई किया है, ये जब 10th में थी, 12th में थी, कॉलेज टॉपर हैं ये, BBSC जब यहाँ से किया, जब इन्होंने की ना फर्स्ट ईयर की, तब मैंने इनको कहा कि चलो हम भी हेल्थ में, आप चलो हमारे साथ नीट का पेपर देते हैं। तो इसने मुझे पहले ही कहा मम्मा अगर मैंने नीट क्वालिफाई कर ली तब मैंने ज्वाइन नहीं करना है, मैंने मेरा एक ही लाइन है, मैंने UPSC में करना है और IAS ऑफिसर बनना है। मैंने कहा चलो चल के पेपर तो दे लो, तो उसने कहा ठीक है, उसने वो क्वालिफाई भी कर लिया था बट उसने नहीं किया था, उसका एक ही मकसद था कि मैंने UPSC करनी है, तो उसने आई कर लिया। बच्ची का एक ही ख्वाब था कि UPSC क्वालिफाई करनी है, पहली अटेम्प्ट में वो करके भी दिखाया। ये पुंछ है, जम्मू से यहाँ आते आते आदमी आधा हो जाता है, 250 किलोमीटर का तकरीबन सफर है और सफर भी थका देने वाला। कश्मीर 6 से 7 महीने बर्फबारी की वजह से बंद रहता है, हमारे बच्चे बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस में कोचिंग करने नहीं जा सकते हैं, दिल्ली बहुत कम पहुँचते हैं। लेकिन मैं उन माँ बाप को, उन बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप दिल्ली में कोचिंग करें, जरूरी नहीं है कि आप जम्मू में कोचिंग करें, असल चीज है आपके ख्वाब। जैसे बच्ची की मदर बता रही थी कि बच्ची का एक ही ख्वाब था कि मुझे UPSC क्वालिफाई करना है, बस वो ख्वाब फिर कैसे ताबीर में बदला, सिर्फ और सिर्फ उस बच्ची की मेहनत है और उस बच्ची के ख्वाब देखने का हौसला। मैं पुंछ राजौरी के उन लोगों को भी मुबारकबाद देता हूँ, जम्मू कश्मीर के उन लोगों को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने UPSC क्वालिफाई किया है। खास तौर से पुंछ वालों से ये मैं कहूंगा कि बड़े ख्वाब देखिए, बड़े तालीमी इदारों में पढ़ना जरूरी नहीं है, बड़े ख्वाब देखना जरूरी है, और जब आप बड़े ख्वाब देखते हैं तो वो फिर माँ बाप की दुआओं से पूरे भी हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारक आपको।